नमो बुद्धाय। आज आपको एक बहुत ही सरल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जातक कठ कथा में प्रबंधन की जो बातें हैं, अब इस कहानी में वो आपको स्वयं ढूंढनी है। कहानी इतनी सरल है कि आप कहेंगे कि इस कहानी में तो कुछ है ही नहीं। देखिए, वर्तमान कथा जो है उसमें इस प्रकार आया है कि अनाथ पिंडिक, जो भगवान बुद्ध का बहुत अच्छा उपासक है, जेतवन विहार उसने बनवाया, वो लगभग रोज़ाना दर्शनों के लिए पहुंचता है और अपनी हर छोटी छोटी बात भी शास्ता को बताता है। तो एक बार वो पहुंचा है जेतवन विहार में और कहता है कि भाई कल मैं अपने ग्राम भोज गया था, जहाँ से उसको कुछ पैसे वैसे वसूलने होंगे। वहाँ से वो लेकर के जब वो अपने बैलों को हाँक कर ला रहा था तो देर हो गई होगी शाम ढलने को, तो वो उसे लगा रास्ते में कुछ चोर उचक्के हैं और वो अपनी बैलगाड़ी दौड़ा करके वो समय से वहीं घर पहुँचा, रास्ते में कहीं नहीं रुका और इस बात के लिए वो अगले दिन फिर शास्ता को ये बात बता रहा है। शास्ता उसके मनोविज्ञान को समझ गए और वो कहते हैं कि पंडितों ने भी ऐसा किया था। अब आप पाएंगे जातक कठ कथा में जहाँ भी इस तरह का डायलॉग है, पंडितों ने भी ऐसा किया था, वहाँ उनका स्वयं से मतलब होता है, तो वो अतीत कथा की भूमिका बन जाती है और अतीत कथा शुरू करते हैं। शैली आपको पता है, वाराणसी नरेश ब्रह्मदत्त का राज्य है, बोधिसत्व उसमें एक बहुत ही संपत्तिशाली सेठ है, उसे निमंत्रण मिला है बोधिसत्व को किसी गांव में, तो वो निमंत्रण के लिए जाते हैं वहाँ भोजन करके। जब रात उधर शाम को लौटते हैं थोड़ी देर हो गई होती है और वो भी उसी तरह से बैलगाड़ियाँ दौड़ा करके घर पहुँच के और तभी अपना रात का भोजन करते हैं और सोते हैं। तो ये कथा है। अब अतीत कथा और वर्तमान कथा देखिए लगभग वही है और अंत में जो जातक का मिलान किया गया उसमें बता दिया गया कि जो बोधिसत्व वो मैं था और बाकी जो चोर उचक्कों की कोई बात नहीं, अनाथ पिंडक क्या था उसकी कोई बात नहीं और कोई भी ऐसा मिलान नहीं किया गया कि बैल क्या थे, सब कुछ नहीं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जातक अठकथाएँ जो हैं वो जन्मों का हिसाब किताब मिलाने के लिए नहीं रची गई। उनका एक खास उद्देश्य था प्रबंध शास्त्र की शिक्षा देना। अब आप इस कहानी पर थोड़ा सोचिए कि इसमें क्या समस्या है। वर्तमान कथा में प्रबंध की ऐसी कौन सी समस्या उठाई गई है, थोड़ा सा सोचें, फिर मैं उसको आपको क्लियर करता हूँ। हुआ उसके जो भीतर की जो बात है, बिटवीन द लाइंस, वो ये है कि अनाथ पिंडिक जो है वो कहीं भी रुका नहीं है, उसे डर है कि रास्ते में चोर उचक्के पकड़ लेंगे। हो सकता है उसने तो देखा भी हो। अब किसी के सिर पे तो लिखा नहीं है कि चोर है उचक्का है। यहाँ भगवान बुद्ध मैत्री भावना की बात करते हैं, मित्ता, कि सबके प्रति मैत्री रखो। और आप पहले से ये कैसे बना लेते हैं कि फलाना चोर है उचक्का है, जो भी, वो तो उचित नहीं है आपका इस तरह से निर्णय करना, इस तरह से बताना किसी भी व्यक्ति के लिए, वो है भी या नहीं भी है। दूसरी चीज़, बैलों को दौड़ाया तो पशुओं के प्रति भी निर्ममता हुई, उनके पानी खाने का कोई ध्यान नहीं दिया गया और सीधा पहले अपने घर पहुँचे, अनाथ पिंड घर आया। तो ये जो समस्या है कि भाई हम पशुओं के प्रति निर्ममता मैंने की है और ये जो मित्ता भावना मैं नहीं रख पाया, मान लीजिए किसी रास्ते में इस तरह के पहले भी घटनाएं हुई होंगी, उनके मन में ये भावना, ये डर थे कि यहाँ पर मैं लूटा जाऊँगा, परंतु जो धर्म की भावना है वो ये कहती है कि आप मित्ता रखिए, मित्रता का भाव, आप कैसे ये पहले से दुराग्रह क्यों पालते हैं।
तो ये जो चीजें हैं ये पूरी तरह से धर्म संगत नहीं है। अब इसका निदान जो है, इसका निदान यानी इसका उत्तर स्वयं भगवान नहीं देंगे, स्वयं शास्त्र नहीं कहेंगे कि तुमने गलत किया कि ठीक किया, नहीं, वो एक कहानी के माध्यम से बोधिसत्व का चरित्र खड़ा होगा और बोधिसत्व के माध्यम से बताएंगे। और वो जो गाथा है वो मैं आपको सुनाता हूं। यथ वेरी निवसति न वसे तथ पंडितो, एक रत्तम दुई रत्तम वा दुखम वसति वेरी सूति। देखिए बहुत ही सरल पाली में है और इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ वेरी यानी वैरी दुश्मन खतरा बसता हो वहाँ पंडित यानी समझदार आदमी वहाँ नहीं बसता, वहाँ नहीं रुकता। एक रत्तम दुई रत्तम, एक रात का लिए हो या दो रात के लिए भी हो, वो भी दुख का कारण बनता है। दुखम वेरी सूति, जो दुश्मन के साथ एक या दो रात बिताना भी दुख का कारण बनता है। अब इस तरह से शास्ता ने उसके मनोमालिन्य दूर किया। और पहली बात तो वो अपनी कर्ज उगाही के लिए गया था, हो सकता है धन एकत्र कर लाया हो। यहाँ जो बोधिसत्व है वो भोजन के लिए गया है, निमंत्रण मिला है, वहाँ भोजन करके वापिस आ रहा है। और वो ऐसे धन वाले यानी तुम कहने का प्रकारांतर से उनका यह अर्थ है कि हे अनाथ पिंडिक, तुम तो फिर भी पैसे वैसे के साथ हो गए, धन तुम्हारे साथ था, मेरे साथ तो धन भी नहीं था, मैं तो खाली आ रहा था, खाली भोजन करके वहाँ आ रहा था, तो भी मैं नहीं रुका। अब ये इससे बिल्कुल देखिए प्रबंध शास्त्र की कहानी बिल्कुल स्पष्ट होती है कि भाई जहाँ पहले से खतरा है उसका इंतजाम कर लीजिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी मैनेजमेंट वाली बात है। वहाँ अगर थोड़ा पशुओं के प्रति निर्ममता भी हुई है तो वो चलेगा, वो डेविएशन जो है सही है, वो क्षम्य है। धन्यवाद। वेरी से मतलब सिर्फ वैरी या दुश्मन से नहीं है, वैसा कुछ भी जो अप्रत्याशित और नुकसानदेह हो दुश्मन ही तो है। तो बुद्ध की प्रबंधन का संदेश यही है कि जहाँ खतरा मंडरा रहा है, अनहोनी की आशंका है, तो उसका उपाय पहले से करके रखना बेहतर होता है, बनिस्पत इसके कि बंदा बाद में अपने को कोसता रहे, भाग्य को कोसता रहे, हाय तौबा करता फिरे। बाद में पछताने से बेहतर है पहले से सावधानी बरत लेना। इसे रिस्क मैनेजमेंट कह लें, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कह लें। आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और कारखानों में तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का सिद्धांत इसी पर काम करता है कि जिस कल पुर्जे की आशंका है टूट जाने की, उसे समय रहते ही बदल दिया जाए ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके, बड़ा जोखिम टाला जा सके।